वेल गाइस, तो फाइनली WWE के इस हफ्ते का स्मैकडाउन ओवर हो चुका है और गाइस आज यहां पर ब्रे वाइट और टेरी फंक के ट्रिब्यूट शो के ऊपर हमें यहां पर WWE की तरफ से टेरी फंक का ट्रिब्यूट मैच देखने को मिला, जहां पर आज WWE के स्मैकडाउन ऊपर हमें यहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट टेरी फंक के ट्रिब्यूट हार्डकोर मैच के अंदर ब्रॉलिंग ब्रूट को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस क्योंकि ये मैच टेरी फंक का हार्डकोर मैच होता है, तो गाइस ना तो इस मैच के अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती गई और ना ही मैच के अंदर कोई भी काउंट डाउन होता है। और गाइज इसीलिए आज यहां पर इस मैच के ओपनिंग के ऊपर ही स्ट्रीट प्रॉफिट इस मैच को कंप्लीटली कंट्रोल कर लेती गए, जहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट डबल टीम करके बूश पर अटैक करते हुए दिखाई देती गए। और गाइज मैच के ओपनिंग कुछ मिनटों के अंदर स्ट्रीट प्रॉफिट ECW हार्डकोर लेजेंड टेरी फंक के काफी सारे ट्रिब्यूट मूव भी करती गए, जिसके बाद की आज यहां पर इस मैच के अंदर जैसे ही ब्रॉलिंग ब्रूट इस मैच के अंदर इस मैच को कंट्रोल करते गए, तभी यहां पर बॉबी लेस्ली रिंग साइड एरिया पर अराइव हो जाते गए, जिसके बाद कि बॉबी लेस्ली इस मैच के अंदर हमें यहां पर बूश के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहां पर बॉबी लेस्ली के इस मैच में इंटरफियर करने के बाद हमें यहां पर फाइनली इस मैच के एंडिंग के ऊपर स्ट्रीट प्रॉफिट उनका फिनिशर होलैंड पर लगाते हुए दिखाई देते गए। और गाइस बॉबी लेस्ली के इंटरफेरेंस की वजह से आज WWE के स्मैकडाउन के ऊपर स्ट्रीट प्रॉफिट ने ब्रॉलिंग ब्रूट्स को बीट कर दिया है।